ठीक है, कल जो हमने किया था कि की फ्रेमिंग कैसे करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन, वर्कफ्लो और ये लेयर मोड्स नहीं किए थे, मास्क मैंने आपको बताया था। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लेयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, 3D लेयर क्या है, एडजस्टमेंट लेयर क्या है, ठीक है, नल लेयर क्या है, नेस्टिंग, प्री कंपोजिटिंग, और ये सारा आज डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने आफ्टर इफेक्ट का इस तरह से ओपन किया, तो यहाँ से हम कोई भी न्यू कंपोजिशन यहाँ से लेते हैं, या आप जो भी कोई वीडियो ट्रैक करोगे ऑटोमेटिकली उसके साइज का आपका कंपोजिशन बन जाता है। जैसे कि अभी मैं कोई भी वीडियो उसमें ट्रैक कर लेता हूँ, फिर हम ये सॉन्ग ट्रैक किया, तो 1920x1080 का हमारा ये जो हमारा कंपोजिशन का साइज है वो उतना साइज हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ से आप लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो, जैसे फोटोशॉप में लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शंस आ जाते हैं, पोजीशन कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो, ये पहले ही आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो लेयर की, ठीक है। आपको न्यू यहाँ से जाओगे तो न्यू आप सॉलिड लेयर ले सकते हो, यहाँ से नल लेयर ले ऑब्जेक्ट ले सकते हो, एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हो। अब सबसे पहले हम एक सॉलिड लेयर लेते हैं, ठीक है। सॉलिड लेयर ली और ऐसे इस टाइप से हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, तो इस तरह से आप एक सॉलिड लेयर ले सकते हो। और उसमें हमने ब्लेंडिंग मोड दिए हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके ये ब्लेंडिंग मोड आपको कौन सा यूज करना है, जैसे इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो वाला कलर, ऊपर वाला कलर और नीचे वाला कलर आपका ब्लेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके दिया ना ब्लेंडिंग मोड, हाँ बताया यहाँ कहीं था ब्लेंडिंग मोड, तो ये ब्लेंड लेयर मोड, ठीक है। तो लेयर मोड आपके ये वाले हैं, इस तरह से आप इनको ब्लेंड कर सकते हो, स्क्रीन कर सकते हो इसको, आप लीनियर डोज कर सकते हो, जो भी मतलब आपने जैसे फोटोशॉप में करते हो ना सेम लाइक दैट कलर रखना है पूरे उसको। अगर टिंट देना है आपको एक ही टाइप का, तो उसको कलर कर दोगे तो वैसा ही टिंट पूरे आपके वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका सॉलिड लेयर का रोल। अगर इसको आप ब्लेंडिंग मोड में नॉर्मल कर देते तो नॉर्मल लेयर दिखेगी आपको नीचे, जैसे मैंने कल भी बताया था कुछ इतनी इतनी लेयर ही चाहिए आपको, तो आप इसको स्केल कर सकते हो फिर मैनुअली कि आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिप देनी है या कोई इस तरह से जैसे व्हाइट ऊपर ब्लैक पट्टी लगी हुई इस टाइप से कुछ दिखाना है, तो आप इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड आता है आपका इसमें एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक किया जाए, फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर क्या करता है प्लीज बताओ। प्लीज रिस्पॉन्ड किया करो, मैं पूछता हूं, तो फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर क्या करती है? ये अगर नहीं पता तो नो कर दिया करो, मुझे एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि मेरी आवाज आप तक जा रही है या नहीं जा रही है। Awesome. ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर फोटोशॉप में करता है, जैसे हमने इसमें कोई कलर करेक्शन करनी है, ठीक है, इफेक्ट्स में गए और जैसे फोटोशॉप में हम कलर बैलेंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर करेक्शन, यहाँ पे कलर बैलेंस, ठीक है, कलर बैलेंस में गए, यहाँ पे हमने रेड की टोन ज्यादा करनी है, ब्लू की टोन ज्यादा करनी है, इस तरह से, ठीक है। तो हमने ये एक इसकी कलर ग्रेडिंग कर दी है और एक नई सी अलग से हमने एडजस्टमेंट लेयर बनाई है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर हमें नहीं चाहिए। और ये अभी यहाँ तो एक क्लिप है इतना सा, अगर इसको कट्स लगे होंगे और ऐसे 50 क्लिप भी होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सभी क्लिप्स के ऊपर हमारी कलर करेक्शन हो जाएगी जो हम करेंगे एडजस्टमेंट लेयर में इस टाइप से, ठीक है। तो एडजस्टमेंट लेयर का ये फायदा रहता है कि आप इसको इस पे अप्लाई किया होगा तो उसको अलग से, बट ये अगर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर 50 क्लिप्स भी हैं तो आपको अलग अलग सब पे कलर करेक्शन या कलर कोई भी इफेक्ट आपने अप्लाई करना है तो अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही लेयर पे उसको अप्लाई करोगे और ऑटोमेटिकली आपका वो सारे उसमें आ जाएगा जितना भी उसके नीचे लेयर्स रहेंगे।
ठीक है, वो डिलीट कर दिया हमने। अब इसमें एक आता है 3D लेयर, यहाँ पे लिखा है देखो 3D लेयर। 3D लेयर क्या होता है? ये देखो, एक नॉर्मल इमेज को 3D में इफेक्ट दिया हुआ है, जैसे आप माया में यूज करते हो ना कि ये पूरा रोटेशन होता है 360, वैसे रोटेट किया हुआ है। तो हमारे पास एक इमेज है ये वाली, इसको हमने अगर 3D में करना है इस तरह से, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लेके आए इसको, एक सॉलिड लेयर ले लेते हैं जिसके वाइट, तो नीचे कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा ये है, इसमें 3D इफेक्ट नहीं आ रहा, अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से सीधा ही आ रहा है, एक्स और वाई एक्सिस में मूव हो रहा है, जी एक्सिस में नहीं आ रहा। तो इसको क्या करेंगे, हम 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से जो ऑप्शन दिया हुआ है देखो ये वाला बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3D लेयर में कन्वर्ट हो गया इसके। देखो अब मैंने इसको ऑफ किया तो यहाँ पे देखो इसकी जो है जी एक्सिस नहीं आ रही, जैसे मैंने ऑन किया तो ऑरियंटेशन में एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जी जेड रोटेशन है यहाँ पे हमारे पास आगे। आप यहां से भी इसको ऑन कर सकते हो और यहां से भी इसको 3D लेयर ऑन कर सकते हो। अब इसके जैसे आप फोटोशॉप में, सॉरी इसमें माया में यूज करते हो, आप अलग अलग कैमरा यूज करते हो ना, तो यहां पे करते हैं हम टू व्यू कर देते हैं और इस साइड हम कर देते हैं इसको, ये हमारा टॉप व्यू ही आ रहा है अभी, ठीक है, ये एक्टिव कैमरा है और ये टॉप व्यू है, ये एक्टिव कैमरा, ये टॉप व्यू, ठीक है। तो इसके क्या करते हैं, हम 3D लेयर बनाने के बाद सबसे पहले तो इसका जो हमने पिवट पॉइंट है इसको यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे माया में करते हैं ना पिवट पॉइंट को मूव यहाँ से, कि यहाँ से रोटेशन हो, तो इसको हम 3D लेयर बनाने से पहले मूव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पैन बिहाइंड टूल दिया हुआ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पे इसके पिवट पॉइंट को रख दिए। अब इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखो हमारा जो गिज़मो है, जो पिवट पॉइंट है हमारा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्केल भी कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कंपोजिशन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब टॉप से हमें ये ऐसे दिख रहा है जैसे हम माया में देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसके डुप्लीकेट ले लेते हैं दो, कंट्रोल डी कंट्रोल टी, ठीक है, और अब इसके रोटेशन में गए हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म रोटेशन, अब हमें करना है इसमें, सॉरी वाई एक्सिस में रोटेशन करना है, एक को हमने यहाँ पे रख लिया, देखो टॉप से भी दिख रहा है, और फिर गए नीचे वाले में, इसमें भी वाई रोटेशन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हमने यहाँ से रख लिया, इसकी रोटेशन थोड़ी सी और इधर को कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा स्मूथ कर ले इस तरह से, ठीक है। अब तीनों को हमने इनको रोटेट कर दिया, बट अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा है इसके यहाँ पे एज पे, तो यहाँ टॉप व्यू में इसको हम मैनुअली भी मूव कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से हमने इसको रख लिया। बट अब इनको तीनों को हमने कंबाइंड मूव करना है, ठीक है। अब इसको मैं अभी यहाँ से टू व्यू दिए इसको एक वन व्यू कर देता हूँ, अब मुझे इनको तीनों को रोटेट करना है इकट्ठे, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये तो अकेले अकेले रोटेट हो रहे हैं जैसे इस तरह से, ठीक है, तीनों कंबाइंड नहीं रोटेट हो रहे, अगर वी में भी करूंगा तो इस तरह से या वाई में करूंगा तो अकेले अकेले हो रहे हैं। तो इसको रोटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या किया हमने, अब ये तीनों आ गए हैं, इनके साथ हमें किसी चीज को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपने सिलेबस में देख रहे हो, यहाँ पे नल, नल मतलब एक ब्लैंक लेयर हम लेंगे, नल ऑब्जेक्ट हमने लिया, एंटर करके आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, इसमें अगर आपको कुछ रीनेम करना है लेयर को तो एंटर करना है, जैसे हमने इसको पेरेंट नाम दे दिया। अब ये इनका पेरेंट है और ये चाइल्ड है,
ये तीनों इसके जो बच्चे हैं ये इसकी उंगली पकड़ के चलेंगे, ये जहां जहां चलेगा ये वहां वहां जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, पहले तो इसकी पोजीशन हम थोड़ी सी वहां सेंटर में कर लेते हैं। और इसको 3D में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने इसको सेंटर में प्लेस कर लिया। अब ये पेरेंट है और ये बच्चे हैं इसके, इन्होंने इसकी उंगली पकड़ के चलना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पेरेंट यहाँ पे भी जाएंगे, पेरेंट यहाँ पे भी जाएंगे, पेरेंट मतलब जब इसमें मूवमेंट होगी कोई भी, ये देखो तो पेरेंट में कुछ भी मूवमेंट अगर होगी अब तो ये तीनों मूव करेंगे। देखो ये मूव भी कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि उसको हमने उन तीनों को चाइल्ड बना दिया और इसको पेरेंट बना दिया। तो अब इसमें हमने रोटेशन करनी है ऐसी, ये रोटेशन है, इस तरह से रोटेशन करनी है हमने वाई में। तो हमने यहाँ पे की लगाई और यहाँ पे गए हम, और इसको एक दो बार हमने इस तरह से रोटेट कर दिया। अब सिंगल व्यू में चले जाते हैं, अब थोड़ा सा वो टिल्टेड भी है तो ऐसे एक्स रोटेशन भी कर देंगे। ठीक है, तो हमने एक नॉर्मल लेयर को देखो 3D में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल एक हमारे पास इमेज थी इस तरह से, ठीक है, और इसको हमने इस तरह से 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो 3D लेयर ये है। आफ्टर इफेक्ट, जो प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट में मेन डिफरेंस है वो ये भी है कि उसमें 3D लेयरिंग नहीं है, आप 3D वाला काम नहीं कर सकते उसमें कोई भी। इसमें जैसे पूरा Z एक्सिस, X एक्सिस, आपको कुछ भी आगे पीछे लेके जाना है वो आप इसको कर सकते हो। तो ये है 3D लेयर का सारा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया इसमें, और लेयर का कि एडजस्टमेंट लेयर क्या यूज करती है, क्या यूज होता है उसका वो बता दिया आपको। ब्रांडिंग मोड्स क्या होते हैं या लेयर मोड्स होते हैं वो क्या वो बता दिया आपको। पेरेंटिंग बता दी कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, अगर इसमें मुझे उल्टा करना हो कि इसको मैंने इनके साथ मूव करना हो तो मुझे वहां पे वो पिक कराना पड़ेगा। अभी ये पेरेंट है, इसको पेरेंट बनाया हमने, यहाँ पे उसका नाम फिल करना, फिल करने वाला यहाँ ऑप्शन है उसको हमने यहाँ देना है। वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे जैसे ही वो उसको मूव करेंगे या रोटेट करेंगे या स्केल करेंगे वो तीनों इकट्ठे होगा। अब इसको हम स्केल भी करेंगे तो सारा ये इकट्ठे स्केल होगा ये तो तीनों, अदरवाइज इन तीनों को एक 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 करके मैनेज करना वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें एक और है प्री कंपोजिंग, ठीक है, कि एक प्री कॉम्प बनाना है आपको। जैसे अब मेरे पास यहाँ पे तो अभी 1 2 3 4 5 6 लेयर्स हैं। अब जब आप प्रोफेशनली प्रोजेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे 1000 500 600 इतनी ज्यादा लेयर्स हो जाती है तो आपसे वो मैनेज ही नहीं हो पाता है। आप चाहे जितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो या प्रोफेशनल हो तो आपको डेटा मैनेज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके डेस्कटॉप पे 600 इमेजेस पड़ी हो तो उनका ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप उनके फोल्डर बना दोगे अलग अलग, कि फोटोशॉप की 10 इमेजेस अलग, आफ्टर इफेक्ट्स की अलग, माया की अलग, तो आपको फोल्डर खोलना है और उतना पता है आपको कि इस फोल्डर के अंदर ये चीज पड़ी होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी कंपोजिशन बन जाते हैं। अब जैसे ये है, मैंने तीनों इसके मुझे पता है इनका काम हो गया, अब मुझे इनको कंपोज करना, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्री कंपोज बना देंगे और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देंगे इसको, जैसे आम, ओके किया। अब ये हमारी एक लेयर बन गई, काम वैसा ही होगा पर हमारी वो लेयर एक बन गई इसमें कॉम्पोजिशन में। ठीक है, तो आप ऐसे 10 15 लेयर्स को जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हमारे पास ये सॉन्ग है, मैं 2 4 सॉन्ग और इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सॉन्ग्स हैं और इनका हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है कट लगाने, तो हमने इनको क्या इकट्ठे करना, तो सबको सेलेक्ट करके प्री कंपोज कर दिया हमने यहाँ पे सॉन्ग्स। तो अब मैंने सॉन्ग्स पे कुछ काम करना है तो इस पे डबल क्लिक करूंगा तभी आगे वो अलग से खुलेगा। मैं यहाँ पे इस पे कुछ भी काम करके वापस यहाँ पे आऊंगा मेन कॉम्पोजिशन में, एक और कॉम्पोजिशन बन गया। तो मेरे यहाँ पे सिर्फ एक दिख रहा है मुझे, पर जब डबल क्लिक करूंगा तो वहां मुझे आगे वो अगली फाइल्स दिखेंगी सारी।
ठीक है, तो इसका मेनली यूज ये होता है कि हमारा यहाँ पे डेटा अच्छे से मैनेज रहे, और हम कुछ एक चीज पे, अब जैसे ये कॉम्पोजिशन बन गया, अगर इस पे मैं कुछ अप्लाई करूंगा तो वो कंबाइंडली सब पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई करोगे इस कॉम्पोजिशन के अंदर, वो आपके वहां पे उधर वर्क करेगा। तो कॉम्पोजिशन का मेनली यूज ये होता है कि आपका जो डेटा मैनेज करना है आपको यहाँ पे, वो आपका इजीली सारा डेटा मैनेज हो जाता है। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने कल भी किया था, मास्किंग की, इसमें आफ्टर इफेक्ट के अंदर मास्किंग कैसे करते हैं, इसका बहुत यूजफुल टूल है ये। जैसे आप फोटोशॉप में पेन टूल यूज करते हैं, उसी टाइप से इसमें पेन टूल होता है, उसकी हेल्प से हम मास्किंग कर सकते हैं, या इसमें रेक्टेंगल सिलेक्शन है, इलिप्टिकल सिलेक्शन है, उसके थ्रू भी हम मास्किंग कर सकते हैं। तो हमने इस इमेज को यहाँ कॉम्पोजिशन के अंदर ड्रैग किया, तो उतने ही साइज का हमारा यहाँ पे कॉम्पोजिशन आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल डी करके क्या करेंगे, हमने 3 लेयर्स यहाँ पे बना ली। अभी हमने करना क्या है, इसमें हमारे पास इस तरह का एक वीडियो है जो एक सिंपल इसी इमेज से बना हुआ है। कोई सबसे पहले ये वाली इमेज आ रही है, फिर ये 2 सर्कल्स आ रहे हैं, और फिर पीछे वाली लेयर आ रही है, फिर और टेक्स्ट इसमें एनिमेट हो रहा है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसके हमने 3 कॉपीज ले लिए, और दो कॉपीज को भी बंद कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको अभी रफ सा बताऊंगा इसमें, क्योंकि हमारे पास जूम में टाइमिंग थोड़ी कम है अभी। ये सारा आपको, ये गर्ल वाला जो है, इसमें भी आप स्पेस बार से प्लानिंग कर सकते हो जैसे फोटोशॉप में करते हो। ठीक है, तो इतना सा हमने ये अलग मास्क कर लिया जैसे उसमें दिख रहा है। अभी क्या करते हैं, कल मैंने आपको 2 लेयर में बताया था, इसको एक ही लेयर में करते हैं। अभी इस पे 2 मास्क हम और लगाते हैं यहाँ पे। इलेप्टिकल मार्किंग टूल लिए, और इसमें मास्क को हम ठीक है, ये मास्क लगाया। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको भी सब्ट्रैक्ट किया, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और एक मास्क और ले लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करके हमने ऐड ऐड तीनों को ऐड कर दिया। अब हमारे इस मास्क के अंदर ये सिर्फ 3 चीजें रह गई हैं। अब इस वीडियो में हो क्या रहा है, जो हम यहाँ पे देख रहे थे, सबसे पहले ये गर्ल वाला करेक्टर आ रहा है, फिर ये इमेज, फिर ये इमेज, और फिर उसके बाद पीछे बैकग्राउंड में वो इमेज आ रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मास्क 1 में जाएंगे,
और मास्क वन की ओपेसिटी को यहाँ की लगाएंगे और इसको जीरो करेंगे और पेज अप पेज डाउन पे यहाँ से इसको हम आगे जाके सबसे पहले इसको अपेयर करवाते हैं, ठीक है। फिर मास्क टू में गए, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को हमने जीरो किया, ठीक है, और यहाँ पे आए और फिर इसको अपेयर करवा दिया। फिर मास्क थ्री में गए, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को हमने जीरो किया और यहाँ थोड़ा सा आगे आए और फिर इसको हमने 100 कर दिया। तो अभी हमारी एनिमेशन कैसे हो रही है, ये आया फिर ये आया फिर ये आया, एक जो हमारा ग्राफिक है सिंपल स्टैटिक इमेज थी उसको हमने मोशन में दिखा दिया। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, टी प्रेस किया, जो पीछे वाली सारी लेयर है इस पर टी प्रेस किया, इसकी ओपेसिटी जीरो, ये तीनों आए, ये और इसके आने के बाद हमने यहाँ पे इसको जीरो दिखाया और यहाँ पे ये भी हमारा 100 हो जाए, ठीक है, ये 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 और फिर ये। अब उसमें जो आप इमेज देख रहे हो वो थोड़ी पीछे वाली ब्लैक एंड व्हाइट है, तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें भी ह्यू सेचुरेशन और वो आता है जैसे आप फोटोशॉप में करते हो ना, उस तरह से हमने इसके इमेज ड्रैग की और इसकी सेचुरेशन को हमने इस तरह से लाइट कर दिया, तो उसमें सेचुरेशन अभी हमारी कम होगी, फर्स्ट इमेज, सेकेंड और ये थर्ड, और इस तरह से हमारा ये आ गया। अब उसमें एक टेक्स्ट भी एनिमेट हो रहा है, ठीक है, तो टेक्स्ट एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, दोबारा से बता रहा हूं अभी, सबसे पहले हमने कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, या कुछ भी आपने जो भी टेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट है, टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कैलिबरी है यहाँ पे आपको ये रखना है और ये आपने इसको स्केल कर लिया टेक्स्ट को, कलर वगैरह चेंज करना है वो सारा आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, जिस भी तरह का आपको टेक्स्ट लिखना है। अब क्या करेंगे, इसके बाद टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे और एक यहाँ राउंडेड रेक्टेंगल टूल से, सॉरी ये इलिप्स टूल से हम यहाँ से एक इलिप्स ले लेंगे उसी शेप का जहां जहां पे हमारा टेक्स्ट आना है, इसको हम मूव करके ऐसे सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, पाथ ऑप्शन और यहाँ पे दिया है नन, यहाँ पे हम मास्क वन को पिक कर देंगे जो अभी हमने मास्क लिया, और फिर यहाँ से फर्स्ट मार्जिन और सेकंड मार्जिन हम टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं, यहाँ पे पीछे लेके गए, अब इसको हम यहाँ से एंटर होगा, यहाँ पे की लगाई और फिर यहाँ पे आए और इसको हमने यहाँ से आया और यहाँ से आके ये बाहर चला गया टेक्स्ट, ठीक है, तो ये आया जो आपको यहाँ पे ये जो शेप दिख रही है ये हमें रेंडर में नहीं दिखता, ऐसे दिखेगा आपको रेंडर में, ये आया ये टेक्स्ट आया और आके इस तरह से निकल गया। अभी स्पीड टेक्स्ट की अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो प्लीज ये वाली पीछे करो, ये वाली आगे करो, स्लो हो जाए और स्लो करना है इसको, थोड़ा और डिस्टर्ब करो, ठीक है। अब इसका अगर रीडेबल नहीं है फॉन्ट तो फॉन्ट और रख लो, फॉन्ट स्टाइल और कर दो,